आप देख रहे हैं आरभट न्यूज, खबर नालंदा से है। नालंदा थाना क्षेत्र के बरगाव के पास शनिवार की शाम बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को लूटपाट के बाद गोली मार दी। मृतक की पहचान बरगाव निवासी वैद्यनाथ प्रसाद के पुत्र राजू कुमार के रूप में की गई है। वह जुआफर बाजार में जेवर की दुकान चलाते थे। ग्रामीण लूटपाट के दौरान हत्या की आशंका जता रहे हैं। व्यवसायी को दो गोली पेट में लगी है, जबकि एक गोली हाथ को छूकर निकल गई। जबकि परिजनों ने बताया कि कुछ महीने पूर्व राजू कुमार को अज्ञात लोगों के द्वारा लूटपाट करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त अपराधी लूटपाट करने में विफल हो गए थे। जिससे कुछ महीनों बाद ही फिर से जब राजू कुमार अपनी दुकान बंद करके अपने साथ लगभग 2.5 लाख का आभूषण लेकर घर आ रहा था, उसी दौरान पूर्व से घात लगाए अपराधियों ने उसे देखते ही लूटपाट करके उसके पास रखे 2.5 लाख के जेवर लूटकर भाग गए। स्वजन उसे इलाज के लिए पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। व्यवसायी की बाइक भी घटना स्थल के पास से मिली है। थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। फोन किया कि तुम्हारा भतीजा के गोली मार दिया, हम आए तुरंत गाड़ी लेके, देखते कि इधर से लेके आ रहा है, तब गाड़ी लेके आए उसको ला दे है। जीते जीते सर लूटपाट भी किया क्या था? जी हाँ, लूट लिया। बैग था सर, उस जेवर के काम करता था, रोड बंद करके सामान लेके आए किया। एक को सामान उस जगह नहीं है जेवर वाला, जी लूट लिया। मैंने कहीं जा रहे थे क्या? दुकान है सर, जुआफर में हमारा भतीजा की दुकान है सर। जी यार जी, और आ रहा था, मैंने 5:30 बजे आ ही जाता सर, बंद करके। जी बंद करके रोड डेली घर आता था सर। रोड डेली पहले तो भी था क्या? जी पहले से, पहले भी छेका था उसी जगह। क्या नाम हुआ आपका? जी जगन्नाथ प्रसाद। लड़का को अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी। जुआफर बाजार में अपना सोना का दुकान चलाता था। घर इसका बड़गांव था। लड़का का नाम राजू कुमार, पिता का नाम वैद्यनाथ प्रसाद जी हैं, उनका बड़े पुत्र हैं। ये हमेशा जुआफर में अपना सोना का दुकान चलाता था। शाम को लौट रहा था, हम लोग के पता चला हम लोगों को 6:45 बजे ये वहाँ गिरा हुआ है। इसके दोनों भाई जाके उसको लाया, उसके बाद पावापुरी हम लोगों ने उसको भेजा, लेकिन वहाँ मृत घोषित कर दिया गया। शरीर में 2 गोली मालूम चला कि 2 गोली लगा हुआ, तो अब कोई हम बता नहीं सकते इसमें। तो कोई विवाद था पहले? नहीं, कोई विवाद, बहुत सज्जन लड़का था।